श्री एकलिंग नाथ की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। अब मैं तो क्या ही बोलूंगा, मैं किसी पार्टी या राजनीतिक पक्ष से नहीं आया हूं, मैं तो सांवरिया सेठ के दरबार में आया हूं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना जरूर चाहूंगा कि क्या अभी भी चंद्रमान की जीत में कोई कसर बाकी है? बिल्कुल नहीं है, चंद्रमान तो जीत गया, जीत गया। जहां साक्षात सांवरिया से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हो, जयति यतिराज फणिराज अवतार मड़े प्रवर पाषंड तमह नभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार मैंने ज्यादा बात की भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा उछाल दी गई। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल मेरा अनुभव है, ये चंद्रमान मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर आप लोगों को छोड़ नहीं सकता। ये मैंने अनुभव कर लिया, चंद्रमान अपने बड़े प्राणों को त्याग देगा, पद प्रतिष्ठा सम्मान सब त्याग देगा, लेकिन आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरा अनुभव है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमान के लिए सीटें नहीं आई थी, अरे विपक्षी पार्टियों तक ने अपने टिकट को डिले रखा था कि चंद्रमान एक बार हाँ कर दे और हम अपने पाले में ले लें, लेकिन चंद्रमान ने अपने इस मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा और भले ही आपके पक्ष में आपकी ओर से खड़ा हुआ, लेकिन अन्य किसी पार्टी में नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है। इस मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा चंद्रमान ने, और मेवाड़ में युवक चंद्र बहुत है, लेकिन चंद्रमान जैसा चंद्र तो ऐसा प्रतीत होता है एक पंडित को देखकर, जनता को देखकर, कि मेवाड़ में एक ही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी से चंद्रमान को टिकट के लिए नहीं कहा गया था, आपको खूब याद होगा, शायद नहीं याद तो हम बता देते अंदर की बात, चंद्रमान को कहा बेगू से।